नमस्कार शिक्षार्थियों, मैं डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव विश्व भारती शांति निकेतन से आप सभी शिक्षार्थियों का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के NIOS के इस प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। शिक्षार्थियों, इस प्रोग्राम कार्यक्रम के पाठ्यक्रम 506 का मैं एकेडमिक कोर्स कोऑर्डिनेटर हूं। पाठ्यक्रम 506 समावेशी संदर्भ में बच्चों को समझना की बात करता है। इस पाठ्यक्रम में कुल मिलाकर 4 खंड हैं, जिसमें खंड 1 बच्चों की वृद्धि और विकास को समझना की बात करता है, खंड 2 बच्चों के व्यक्तित्व विकास की बात करता है, खंड 3 समावेशी शिक्षा पर बात करता है और खंड 4 बालिकाओं एवं बच्चों के अधिकार की बात करता है। शिक्षार्थियों, खंड 1 जो कि बच्चों की वृद्धि और विकास को समझने की बात करता है, इस खंड में आपके इस कार्यक्रम के लिए 2 इकाई हैं। इसमें जो इकाई 1 है वो है बच्चों को समझना और जो दूसरी इकाई है वह आनुवंशिकता एवं वातावरण को समझने से संबंधित है। खंड 2 बच्चों के व्यक्तित्व विकास को समझने की कोशिश करता है। इस खंड को समझने के लिए इस खंड में 4 इकाइयाँ रखी गई हैं, जिसमें से पहली इकाई है व्यक्तित्व का विकास एवं आकलन, दूसरी इकाई है चिंतन कौशलों का विकास, तीसरी इकाई है आत्म प्रत्यय का विकास और चौथी इकाई है बच्चों में सृजनात्मकता का विकास। इस कार्यक्रम के तीसरे खंड में जो कि समावेशी शिक्षा की बात करता है। शिक्षार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 1 दशक से ज़्यादा के समय से हम समावेशी शिक्षा पर बहुत अधिक बल दे रहे हैं और ये जो पूरा कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में यह जो आपका कोर्स है 506, इसमें समावेशी शिक्षा को विशेष तरीके से समझने की कोशिश की गई है। यह समझ, समावेशी शिक्षा की यह समझ आपको असल ज़िंदगी में स्कूल में शिक्षार्थियों से रूबरू होते समय मददगार साबित होगी। इस खंड में 4 इकाई हैं। इस खंड की जो पहली इकाई है वो है समावेशी शिक्षा का परिचय। इस इकाई में समावेशी शिक्षा क्या है, इसका उद्भव कैसे हुआ, इसका स्वरूप क्या है, इस सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। दूसरी इकाई इस खंड की है जिसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की अवधारणा क्या है, कैसे हैं वे बच्चे जिनको विशेष आवश्यकता है। अगली इकाई में, इसी खंड की अगली इकाई में जो हमारी इकाई है वो है विशेष जरूरतों वाले बच्चों की शिक्षा। इस इकाई में हमारा पूरा ध्यान होगा जो विशेष जरूरत वाले बच्चे हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, उनकी शिक्षा व्यवस्था में हम किस प्रकार मददगार साबित हो सकते हैं। और इस खंड की जो आखिरी इकाई है वह है अवधारणा कौशलों का विकास, सहायक उपकरण, विशेष उपचार। और इस प्रकार हम खंड 3 के इन 4 इकाइयों के माध्यम से समावेशी शिक्षा के स्वरूप को समझने की कोशिश करेंगे। कोर्स 506 का खंड 4 बालिकाओं एवं बच्चों के अधिकार की बात करता है। शिक्षार्थियों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण खंड है। आज के संदर्भ में विशेष करके आपको इस खंड पर विशेष ध्यान देना होगा। बालिकाओं और बच्चों का अधिकार उचित रूप से समझना होगा ताकि हम हमारी शिक्षा व्यवस्था को उपयुक्त और उचित तरीके से क्रियान्वित कर सकें। इस खंड को समझने के लिए, इस पूरे खंड को 3 इकाइयों में विभक्त किया गया है, जिसमें से पहली इकाई है लैंगिक विभेद, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। हम इसमें किस तरह के जो विभेद हैं, किस तरह का भेदभाव है, किस तरह की असमानता है, यह सारी बातें समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। इस खंड की दूसरी इकाई जिसमें बालिका सशक्तिकरण पर बल दिया जाएगा, हम अपनी बालिकाओं का, अपनी बच्चियों का किस तरह से सशक्तिकरण कर सकते हैं, किस तरह से उनको हम एक आत्मनिर्भर सामाजिक नागरिक के रूप में उनका विकास कर सकते हैं, यह समझने का मौका मिलेगा। और इस खंड की जो तीसरी इकाई है वह है बाल अधिकार एवं हकदारी की, जिसमें UN कन्वेंशंस को जो हमें समझ बनी थी, उस समझ से हम इन बाल अधिकारों को समझने की कोशिश करेंगे। शिक्षार्थियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पूरे कार्यक्रम के दौरान इस जो आपके पास मटेरियल है, सामग्री है, उस सामग्री से आप 2-4 रूबरू हो चुके होंगे
और इस सामग्री से रूबरी होने के बाद आपके पास जो सवाल हैं, आपके मन में जो जिज्ञासाएं हैं, उनके लिए मैं स्वयं प्लेटफॉर्म पर उपस्थित रहूंगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन इसमें रखें और अपने सजेशंस, क्वेश्चंस, क्वेरीज, जिज्ञासाओं के लिए आप आमंत्रित हैं। धन्यवाद।